हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भागवन फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और यू सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में एनटी रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक एनटीआर 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, समादाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः आर रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भागवान को 27 सितंबर 2024 को मानक आईमैक्स 4DX, स्क्रीनएक्स, डी बॉक्स, एमएक्स 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर। यह जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं, वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता। अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी। और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेह लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मार डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वरदा। और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है और उन्होंने इसे उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को
अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव पर वारा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारों के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1983 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल है। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु मेटिनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने SS राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लू के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमूरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था जो उनके पिता तेलुगु वंश के हैं और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था।
लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर एनटी रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामूरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिज्ञ नंदामूरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा एनटीआर रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में एसएस राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामोडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग थे और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या हुआ रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म सांबा 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यामोटोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 वह उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामाराव ने राजा की भूमिका निभाई जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामाराव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामाराव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवजीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए 1 साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया।
जिसमें उन्होंने आंध्रवाला उरना लुडू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2023-13 की अगली रिलीज हरीश शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामायण वास्तव्य थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था, और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित ओसाका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था, और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई, और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित ननकू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की। बादशाह को पीछे छोड़ दिया, और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन कोरालताला शिवा ने किया। और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर के एस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई, जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का, और वह एक ऐसे दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं, और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR, जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूंगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है, और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृतभूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए
कटोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई और जया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण एनटीआर रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम रामसा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर टू के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइनअप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भागवन फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और यू सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में एनटी रामा राव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक एनटीआर 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामा राव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः आर रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भागवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स MX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता है, अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें युद्धाओं के वसंजों
वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मार डाला। जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वरदावर देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है और उन्होंने इसे उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव पर वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियार के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमुरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल है। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु में टीनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद
रामा राव ने एस एस राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया, जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लू के पांचवें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमूरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर एनटी रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामूरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिज्ञ नंदामूरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा एनटीआर रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में एस एस राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामडू 2002 और MM रत्नम की राजनीतिज्ञ थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग था और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या हुआ रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म सांबा 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है।
तारक ने निर्देशक राजा मौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमनटंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 वह उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामा राव ने राजा की भूमिका निभाई जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामा राव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामा राव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवदीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए 1 साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया जिसमें उन्होंने आंध्रवाला उड़ना लुडू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2023-13 की अगली रिलीज हरीश शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित ओसाका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित ननकु प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामा राव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की बादशाह को पीछे छोड़ दिया। और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया जिसका निर्देशन कोराला शिवा ने किया और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर के एस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक
ऐसे दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है, और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृतभूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कटोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई और जो 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई। और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण NTR रमा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम रामसा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर 2 के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइन अप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भगवान फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और युव सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में NT रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः R रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स MX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें
एक नाव में तट से दूर ले जाता। अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी। और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मारा डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वरदा। और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है, और उन्होंने इसे उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है, जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव वर वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है, ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था, ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियार के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल हैं।
उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु मेटिनी आइडल एनटीआर रामाराव की पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने एसएस राजमौली की महान कृति आरआरआर 2022 के में अभिनय किया, जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लु के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमुरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमुरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर एनटी रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामुरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिक नंदामुरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा एनटीआर रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में एसएस राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुडालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग था और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म
उन्होंने इसके बाद में पुरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या वह रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पुरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म सांबा 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमनडोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 वह उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामाराव ने राजा की भूमिका निभाई, जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामाराव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामाराव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पुरी जगन्नाथ के शिष्य नवदित मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए एक साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला और ना अल्लडू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2013 की अगली रिलीज हरीश शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित असोका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था। और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित नन्कू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की। बादशाह को पीछे छोड़ दिया और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन
कोरताला शिवा ने किया और 2017 में राव ने NTR 800 बैनर पर KS रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई, जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि NTR जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का, और वह एक ऐसी दुर्लभ अभिनेता जो NTR में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR, जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है, और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृत भूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कठोरतला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई, जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण NTR रमा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम राम सा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर 2 के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइन अप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे। और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय, 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भगवान फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और युव सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में NT रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका है। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, समादाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः R रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स MX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था।
1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे डीएसपी तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता है, आधिकारिक हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तटरक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी, और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेह लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मारा डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वर्धा। और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है, और उन्होंने इसे उसके पति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है, जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है, ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था, ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदलकर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के
वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारे के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भेरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल है। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु मेटिनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने SS राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लु के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमूरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती है जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर NTR रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामूरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिक नंदामूरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा NTR रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में SS राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की।
हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रही पाया। बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर वन जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामोडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग था और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या हुआ रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी से भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म संवाद 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमोटोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 94 किलो कम करता था। और रामाराव ने राजा की भूमिका निभाई जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामाराव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामाराव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवदीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए एक साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला और ना अल्लडू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असारवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2013 की अगली रिलीज हरीश शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित असोका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था। और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक
बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित नन्कू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की बादशाह को पीछे छोड़ दिया। और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन कोरालताला शिवा ने किया। और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर केएस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई, जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमूरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक ऐसे दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR, जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है। और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, अमृत भूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कठोरतला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई, जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई। और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण एनटीआर रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामूरी कल्याणम रामसा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर 2 के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइनअप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय, 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भगवान फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और युव सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में एनटी रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिकाएँ। यह फिल्म खान और कपूर की सेल
तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामा राव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, समादाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः आर रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स IMAX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता है, अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तटरक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी, और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेह लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मारा डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वर्धा। और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है, और उन्होंने इसे उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता है। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है, जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, ताकि समुद्र में
उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव पर वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदलकर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारे के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल है। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु मेटिनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने SS राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया, जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लु के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमूरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती है जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर NTR रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता
और निर्माता नंदामूरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिज्ञ नंदामूरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा NTR रामा राव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में SS राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबोध 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित VV विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामडू 2002 और MM रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग थे और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित VV विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या वह रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म संवाद 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमनडोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 वह उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामा राव ने राजा की भूमिका निभाई जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामा राव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामा राव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवदीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए TDP के लिए प्रचार करने के लिए 1 साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला और ना लड्डू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन
वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2023-13 की अगली रिलीज हरी शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित ओसाका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित नन्कू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की। बादशाह को पीछे छोड़ दिया और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गिराज में अभिनय किया जिसका निर्देशन कोराताला शिवा ने किया और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर केएस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक ऐसी दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूंगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, अमृत भूमि में प्रति अधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़क के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कटोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई और जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स
के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण एन टी आर रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम रामसा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वार के सिक्सवल वार टू के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइन अप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय, 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भागवन फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और यू सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में NT रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका है। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, समादाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः आर रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स IMAX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है। और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता, अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी। और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर
पर एक संदेह लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मार डाला। जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वरदा, और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है, और उन्होंने इसे उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है, जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता है और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है, ताकि गांव वालों को उस पर शक न हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था, ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारों के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल है। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु में टीनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नु चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने SS राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया, जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने
स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारू मिलो कोटिरसुल्लु के पाँचवें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमुरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ नंदमुरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती है जो कर्नाटक के कोंडापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर एन टी रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामुरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिज्ञ नंदामुरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा एन टी आर रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में एसएस राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज हुई सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामोडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग थे और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या वह रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म संवाद 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमोटोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 वह उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था और रामाराव ने राजा की
भूमिका निभाई, जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामा राव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामा राव ने एक्शन फिल्म का अंतरी के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पुरी जगन्नाथ के शिष्य नवदीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए एक साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला उड़ना लुडो के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2023-13 की अगली रिलीज हरी शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित ओसाका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था। और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित ननकु प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामा राव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की। बादशाह को पीछे छोड़ दिया और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गिराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन कोरालताला शिवा ने किया। और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर के एस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई, जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक ऐसी दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता
सेनानी कोमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजा मौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है, और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृतभूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट, एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कटोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया, और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई, और जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई। और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, और इन दोनों फिल्मों का निर्माण एनटीआर रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम राम सा निर्माता, और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर टू के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइनअप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे, और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय, 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भगवान फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कोरटला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है, और यू सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में एनटी रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक एनटीआर 30 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामाराव की 30वीं फिल्म, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, समादाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, जिसका छायांकन क्रमशः आर रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX, ScreenX, D-Box, IMAX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं, और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे DSP तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है, और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता है, अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, और बदनाम लाल सागर में
तस्कर बनकर रह गए और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तटरक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है। वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है क्योंकि देवरा ने तस्करों को मार डाला जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा। उनका बेटा वरदा और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है और उन्होंने इसे उसके पति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके क्योंकि वह चुप रहता और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव वर वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वारा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है ताकि गांव वालों को उस पर शक न हो और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारों के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था और उन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1983 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार 2 नंदी पुरस्कार 2 सीमा पुरस्कार 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु में टीनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी
दिखाई दी। उन्होंने निन्नू चुड़ालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लवकुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामा राव ने एसएस राजमौली की महान कृति आरआरआर 2022 के में अभिनय किया, जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारु मिलो कोटिरसुल्लू के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमुरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमुरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती है जो कर्नाटक के कोंदापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर एन टी रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामुरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिक नंदामुरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा एन टी आर रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में एसएस राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की। हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर 1 जो बाद में रिलीज भी सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। यह केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामाडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिमहाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग थे और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की यह
वह रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म संवाद 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमोटोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 व उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामाराव ने राजा की भूमिका निभाई, जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामाराव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामाराव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवदीत मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए एक साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला और ना लड्डू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असारवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2013 की अगली रिलीज हरी शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित असोका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित ननकू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की। बादशाह को पीछे छोड़ दिया और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन
कोरताला शिवा ने किया और 2017 में राव ने NTR 800 बैनर पर KS रविंद्र के निर्देशक में जय लव कुश में एक तिहरी भूमिका निभाई जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमुरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लव कुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि NTR जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक ऐसी दुर्लभ अभिनेता जो NTR में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की ज़रूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है। और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृतभूमि में प्रति अधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कठोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई और जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई। और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण NTR रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामुरी कल्याणम राम सा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर 2 के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइन अप किया गया जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवरा भगवान फिल्म के बारे में। यह फिल्म 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरटाला शिवा ने लिखा है और निर्देशित किया है और युव सुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में NT रामाराव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत और साइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिका है। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामा राव की 30वीं फिल्म और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है जिसका छायांकन क्रमशः R रत्नवेलु और संपादन ये श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भगवान को 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX स्क्रीनएक्स डी बॉक्स MX 4D और ISD प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों को मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था।
1996 में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई अति से भारत में होने वाले 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस अति के गुंडों की पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। उन्हें पता चलता है कि अति की खबर आखिरी बार मुर्गा के साथ देखा गया था, जो एक राजनेता सह तस्कर, या जानने पर कि मुर्गा पर मर चुका है और वे तस्करों के रूप में अंडरकवर हो जाते हैं और उन्होंने जो तट अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं वे डीएसपी तुलसी के पास जाते हैं, जो उन्हें रत्नगिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहता है। वे ऐसे ही गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है और वे सिंगप्पा को ढूंढते हुए जो उन्हें एक नाव में तट से दूर ले जाता है, आधिकारिक हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे प्रस्ताव देने की कोशिश करता है, जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है, जिससे अधिकारी अंगूठी वापस पाने के लिए गोता लगता है। इन गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। और देवरा एक गांव के सरदार और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुर्गा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं, जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है, और ऐसी एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी के अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं कि जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वसंजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी, और उन्होंने इस देवरा का मन बदल जाता और उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं करता और वे उसे मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन असफलता हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता और किनारे के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है, वह तस्करी के लिए समुद्र में जाने वाले को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और कोई मछली पकड़ने और अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है, क्योंकि देवरा ने तस्करों को मार डाला, जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा उनका बेटा वरदा। और देवरा के व्यवहार में शांत विपरीत हो जाता है, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। दूसरे गांव में एक के सरदार की बेटी थंगम उसका बचपन की दोस्त और प्रेम पात्र है, और उन्होंने इसे उसके पति अपनी भावनाओं को प्रकट करने से इनकार कर देती है, जबकि वह कुछ ऐसा नहीं करता जो उसके पिता सम्मान करता है। जो डरपोक वर अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश करता है, जिन्होंने उसके अनुसार उन्हें छोड़ दिया था। दूसरी ओर भैरव देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कुंजारा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुर्गा फिर से भैरव को उनके लिए तस्करी करने को देवरा को मारने का मौका देते हैं, जो उनके कार्यों के लिए सबसे बड़ा कांटा है। और भैरव के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, ताकि समुद्र में उसके ठिकानों का पता चल सके, क्योंकि वह चुप रहता और हिंसा से दूर रहता है। अपनी वार्षिक अशुद्ध पूजा लड़ाई के दौरान वह अंततः भैरव के आदमियों को हरा देता है। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में उसके एक आदमी को मारने के बाद भैरव वरा देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में उनके साथ शामिल हो जाता है। सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और वरा ही था और जिसने देवरा को वेश धारण करके देवरा की मौत के दिन से की तस्करों को मार डाला था। उसकी कार्यपूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा है, ताकि गांव वालों को उस पर शक ना हो, और उसने ही किनारे पर चट्टान पर नोट लिखा था, ताकि वह कोई सोच सके कि देवरा जिंदा है और वह भेष बदल कर लाल सागर को सुरक्षा दे रहा है। इस बीच वारा भैरा के आदमियों को मार देता और उसके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। गाँव वालों और भी ज़्यादा डर पैदा करने के लिए वारा सिंगप्पा और देवरा के
वफादार सहयोगी के सामने खुद को भी निशाना बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के अपने खिलाफ गया था और उन्होंने जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हथियारों के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वारा ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भेरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था। और इन्होंने इस फिल्म में नंदमूरी तारक रामराव जूनियर का जन्म 20 मई 1987 जिन्हें जूनियर NTR के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया। मीडिया में मैन ऑफ मास के रूप में संदर्भित उन्होंने 30 फिल्मों में अभिनय किया है। राव के पुरस्कार के में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सीमा पुरस्कार, 4 सिनेमा पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार शामिल। उन्होंने इस फिल्म में यह तेलुगु में टीनी आइडल NTR रामाराव के पोते जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राव ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रामायणम 1997 में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निन्नू चुडालानी 2001 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और आने वाली उम्र की फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 2001 और एक्शन ड्रामा आदि 2002 से अपनी सफलता हासिल की। इसके बाद व्यावसायिक रूप से सफल और फिल्में सिमहाद्री 2003, राखी 2006, यमडोंगा 2007, अधूर्स 2010, वृंदावनम 2010 और बादशाह 2013 आई। गिरावट के बाद उन्होंने 2015 की एक्शन ड्रामा टेम्पर के साथ करियर में वापसी और ननुकु प्रेमथो 2016, जनता गैराज 2016, जय लव कुश 2017 और अरविंदा समेथा वीरा राघव 2018 के साथ लगातार सफलता हासिल की। 4 साल के अंतराल के बाद रामाराव ने SS राजमौली की महान कृति RRR 2022 के में अभिनय किया जो एक वैश्विक घटना थी जिसने उन्हें अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सार्वभौमिक मान्यता दिलाई, जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में एक बन गई। उन्होंने तब से एक्शन ड्रामा देवरा भागवन 2024 में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने स्टार माँ पर तेलुगु भाषा की रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पहले सीजन की मेजबानी की। उन्होंने 2021 में जेमिनी टीवी पर इवारु मिलो कोटिरसुल्लू के 5वें सीजन में भी मेजबानी की थी। उन्होंने इस नंदमूरी तारक राम राव जूनियर का जन्म 20 मई 1984 को फिल्म अभिनेता और राजनीतिक नंदमूरी हरिकृष्णा और शालिनी भास्कर राव के घर हुआ था, जो उनके पिता तेलुगु वंश के है और उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निमाकुरु में हुआ था। उनकी माँ एक कन्नौती जो कर्नाटक के कोंदापुर की रहने वाली है और वे तेलुगु अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के पोते। शुरू में उनका नाम तारक राम था, लेकिन उनके दादा के सुझाव पर उनका नाम बदलकर NT रामाराव कर दिया गया। तारक ने अपनी स्कूली शिक्षा विद्यारण हाई स्कूल हैदराबाद से की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट मेरी कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी अध्ययन किया है और तारक तक एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक वे अभिनेता और निर्माता नंदामूरी कल्याण राम के सौतेले भाई और अभिनेता और राजनीतिक नंदामूरी बालकृष्ण और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र चंद्रबाबू नायडू के भतीजे के और अभिनेता तारक रत्ना और राजनीतिक नारा लोकेश के चचेरे भाई है। उन्होंने इस फिल्म में वह तारक ने 7 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म ब्रह्मऋषि विश्वामित्र 1991 में अपनी शुरुआती की। अपने दादा NTR रामाराव द्वारा लिखित और निर्देशित उन्होंने भरत की भूमिका निभाई। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने गुणाशेखर निर्देशित पौराणिक फिल्म रामायणम 1997 में राम की शीर्षक भूमिका निभाई जिसने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों की सराहना मिली और के राघवेंद्र राव ने ऑडिशन के उनके प्रदर्शन और उनकी पिछली फिल्म रामायणम 1997 से प्रभावित होकर 2000 के मध्य में SS राजामौली के अपने पर निर्देशन की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के दुजरे के राव के लिए सिफारिश की
हालांकि फिल्म निर्माता बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। बाद में उन्होंने निर्माता रामजी राव ने साइन अप किया और रोमांटिक ड्रामा चुड़ालानी में काम करने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से उनकी पहली फिल्म थी। जो समय तक वह केवल 17 वर्ष की थी, स्टूडेंट नंबर वन जो बाद में रिलीज भी सफल रही, जबकि सुबह 2001 की व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने माता पिता की मौत के लिए एक जिम्मेदार से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। केवल फिल्म 2002 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। वे वी गोपाल की अल्लारी रामडू 2002 और एमएम रत्नम की राजनीतिक थ्रिलर नागा 2003 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दिए और सिम्हाद्री 2003 राजामौली के साथ उनका दूसरा सहयोग थे और करोड़ों के बजट पर फिल्म में उस समय इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु और यह फिल्म उन्होंने इसके बाद में पूरी जगन्नाथ द्वारा या नवोदित वीवी विनायक द्वारा निर्देशित आदि 2002 में उन्होंने व्यक्ति की या हुआ रूप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक नया रूप अपनाया और हल्की दाढ़ी सी भी बढ़ाई, जिससे यह यंग टाइगर की उपाधि मिली। इसके बाद वे पूरी जगन्नाथ की एक्शन ड्रामा आंध्रवाला 2004 में नजर आए, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद उन्होंने विनायक के साथ अपने दूसरे सहयोग में एक्शन फिल्म संवाद 2004 में अभिनय किया। बाद में उन्होंने पारिवारिक ड्रामा फिल्म ना अल्लड 2005 में दोहरी भूमिका निभाई थी और इन्होंने इस फिल्म में और गोपाल की नरसिम्हडू 2005 और सुंदर रेड्डी की अशोक में अभिनय किया। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कृष्णा वामसी की राखी 2006 में उनका अभिनय उनके बेहतरीन अभिनयों में से एक माना जाता है। तारक ने निर्देशक राजामौली के साथ तीसरी बार एक सामाजिक काल्पनिक फिल्म यमोटोंगा के लिए काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 20 किलो से अधिक वजन कम करके एक नया धारणा धारण करना था, क्योंकि पहले उनका वजन 1900 व उन्होंने इस फिल्म में वह 94 किलो कम करता था। और रामा राव ने राजा की भूमिका निभाई जो एक चोर है जो बाद में यम की आलोचना पर अपमान करता है और फिर कुछ बुरे कृत्यों के कारण अचानक नरक में चला जाता है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अभिनेता मोहन बाबू ने फिल्म में रामा राव प्रदर्शन की प्रशंसा की। बाद में रामा राव ने एक्शन फिल्म कांत्री के लिए साइन अप किया गया, जिसका निर्देशन पूरी जगन्नाथ के शिष्य नवदित मेहर रमेश ने किया था। 2009 में राव ने 2009 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के लिए टीडीपी के लिए प्रचार करने के लिए 1 साल का अंतराल लिया और तारक ने एक्शन कॉमेडी अधूरस के लिए साइन अप किया, जिसमें उन्होंने आंध्रवाला और ना अल्लडू के बाद तीसरी बार दोहरी भूमिका निभाई। अदुरुस ने 300 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद वे कई सालों के बाद रोमांटिक कॉमेडी वृंदावनम 2011 में रोमांटिक फिल्मों में लौट आई, जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया था। तारक ने फतांसी एक्शन फिल्म शक्ति के लिए निर्देशक रमेश के साथ और रोमांटिक एक्शन फिल्म असरवेली के लिए निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ सहयोग किया। बायोपति श्रीनु निर्देशित दमू 2012 औसत कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और उन्होंने इस फिल्म में वह बादशाह में उनके डॉन की छवि के अनुरूप उनमें घुंघराले बालों को सीधा करके एक दाढ़ी बढ़ाकर एक नया रूप धारण किया। फिल्म स्लीपर हिट रही। बादशाह के अंतिम आंकड़े 50 दिनों में 480 मिलियन से अधिक थे। इस फिल्म को बाद में हिंदी और मलयालम में डब किया गया था। उन्होंने राव की 2013 की अगली रिलीज हरीश शंकर द्वारा निर्देशित रिवेंज ड्रामा रामयम वास्तव्या थी। यह राव के करियर की सबसे खराब दौर था और वह बादशाह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई और बादशाह का प्रीमियर जापान में आयोजित असोका एशियाई फिल्म महोत्सव 2014 में किया गया था और यह 2015 में उन्होंने निर्देशक पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित टेम्पर में अभिनय किया। इस फिल्म ने राव ने कई असफलताओं के बाद में एक
बहुत जरूरी सफलता दिलाई और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी दया के रूप में उनके प्रदर्शन को दर्शकों और आलोचकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। टेम्पर की सफलता के बाद तारक ने श्री वेंकटेश्वर सीने चित्रा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के निर्माण में सुकुमार द्वारा निर्देशित ननकू प्रेमथो 2016 में काम किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का दूसरा और वह फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एनटीआर रामाराव के लिए वह उन्होंने फिल्म के लिए जेल वाले बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक नया रूप अपनाया को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह फिल्म अंततः राव के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में इसे करोड़ों के मिलियन की कमाई की बादशाह को पीछे छोड़ दिया। और उसी वर्ष बाद में राव ने सितंबर में रिलीज जनता गैराज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन कोरालताला शिवा ने किया। और 2017 में राव ने एनटीआर 800 बैनर पर के एस रविंद्र के निर्देशक में जय लवकुश में एक तिहरी भूमिका निभाई, जिसमें उनके सौतेले भाई नंदमूरी कल्याण राम निर्माता थे। जय लवकुश ने दुनिया भर में लगभग 130.90 करोड़ एकत्र की और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और 2018 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा शामिला में अभिनय किया, जो साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अरविंदा शामिला की सफलता का श्रेय राव को देते हुए कहा कि एनटीआर जैसा उच्च क्षमता वाला अभिनेता किसी भी पीढ़ी में मिलना बहुत दुर्लभ है। जब अभिनय की बात आती है तो वह एक मसालची की तरह पल में रहना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता का और वह एक ऐसी दुर्लभ अभिनेता जो एनटीआर में अपने दादा में मेल खाने की क्षमता व अनुशासित ईमानदार सीधे साधे में अनावश्यक मुद्दों में शामिल नहीं होते हैं और जो आवश्यक है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक का जाते हैं। हमें ऐसे व्यक्तित्व को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उनकी यात्रा के दौरान ताली बजाने की जरूरत है। और SS राजमौली की महान कृति RRR, जिसमें राव की ने 20वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी को अमाराम भीम की भूमिका निभाई थी, जो भारी सफलता मिली। राजामौली ने कहा कि मैं वास्तव में कहूँगा कि भारतीय स्क्रीन पर कोई अन्य अभिनेता नहीं है जो कोमाराम भूमिडो गीत में तारक ने जो किया वह कर सकता है। और दर्द दिखाना, विश्वासघात दिखाना, मृत भूमि में प्रतिअधीनता दिखाना, लेकिन उत्पीड़ित के एक पलक भी नहीं झपकाना, न केवल इन सभी भावनाओं को दिखाना बल्कि इन सभी भावनाओं को एक शॉर्टकट एक प्रेम में दिखाना, या एक महाकाव्य की तरह। जनता गैराज के बाद तारक ने अपनी 30वीं फिल्म देवरा भगवान के लिए कटोरटला शिवा के साथ फिर से काम किया और जो भारी देरी के बाद मार्च 2023 में फ्लोर पर गई और जिया 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई। और वह जनता गैराज के बाद प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एक फिल्म के लिए मैत्री मूवी मेकर्स के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और इन दोनों फिल्मों का निर्माण एनटीआर रामा आर्ट्स के तहत किया जा रहा है। और इन्होंने इस फिल्म में या नंदामूरी कल्याणम रामसा निर्माता और अप्रैल 2023 में उन्हें यशराज फिल्म द्वारा वॉर के सिक्सवल वॉर 2 के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआती करने के लिए साइन अप किया गया, जिसके ऋतिक रोशन सह कलाकार और आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित थे। और वह फिल्म के साथ YRF स्पाइस यूनिवर्स में प्रवेश करेंगे और यह 14 अगस्त 2024 को एक नाटकीय 15 अगस्त को भी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज के निर्धारण के लिए किया गया था। और इन्होंने